हे गाइस, गुड मॉर्निंग, माय सेल्फ वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सो गाइस, अभी फिलहाल मॉर्निंग का टाइम है। आप लोग सोच रहे हो इवनिंग का टाइम, लेकिन अभी मॉर्निंग का टाइम है। फ्राइडे में इवनिंग में ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जब एग्जाम नहीं होता है, जब एग्जाम होता है तो मॉर्निंग में ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। और गाइस, फिलहाल जा रहा हूँ मैं ट्यूशन में कुछ एग्जाम की कुछ नोट्स देने वाला है। नोट्स को जल्दी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद 11 बजे एग्जाम है, मतलब जल्दी से जाना पड़ेगा। और गाइस, फिलहाल मैं ट्यूशन के लिए बहुत हो चुका हूँ लेट। आज क्या ही बोलूँ, वाट लग चुकी थी घर में, इसलिए मैं जाते हुए लेट। तो फिलहाल जल्दी ट्यूशन में चलता हूँ। 15 मिनट्स लेटर। तो गाइस, अभी हमारे साथ UK07 UK07 राइडर, देखो सामने बेस मार रहा है, आपको दिखाता हूँ। देखो UK07 राइडर, देखो ओ भाई, चल रहे ऑटोग्राफ लेते चल। यार रोड बंद कर दे, आप कैसे जाएंगे, बारिश आ रही है, ट्यूशन में जल्दी से जाना है यार। सो गाइस, फिर मैं ट्यूशन के आ चुका हूँ, फिर चला रहा हूँ साइकिल। और मेरे साथ है तरुण बॉय और अनिक ब्रो, और हम दोनों के बीच एक चैलेंज हो चुकी है, मतलब शर्त लग चुकी है। क्या सोचते हैं, स्कूल बंद रहेगा या खुला रहेगा, चैलेंज करते हैं। चल, मैं बोलता हूँ 90% स्कूल बंद, 10% क्या बोलता है? नहीं तो 100% स्कूल बंद, 100% बोलता है स्कूल बंद, वो नहीं बोलता है 100% स्कूल बंद। देखते हैं स्कूल बंद है या नहीं, खुला है। ये बोल रहा है खुला है, चल देखते हैं। तो गाइस, स्कूल देख सकते हो, स्कूल खुला है, और हम हार गए शायद। उन्हें 100% हार गया, मैं तो 10% हार चुकी हूँ। जीत गया तरुण बॉय। स्कूल में जाएगा क्या? स्कूल में चल चलते हैं ब्रो। सो गाइस, हम स्कूल मैच को देखोगे तरुण बॉय, आई फील करेंगे टेस्ट चेंज। और गाइस, हमारे घर में ठेंगापाड़ा से जाने के लिए कम से कम 1 घंटा लगता है, इसका 1 घंटा लगता है, मेरा 40 मिनट लगता है। अभी बजाय 9:30 बज चुकी है और 11 बजे एग्जाम है, तो घर में जाने के लिए बहुत हो गए, मतलब घर में जाने के लिए बहुत लेट हो जाऊंगा, और आने के लिए कम से कम 11:30 बज जाएगा, मतलब 30 मिनट लॉस हो जाएगा मेरा। इसलिए मैं अभी स्कूल में ही आ गया। यहाँ पर एक रूम खुला हुआ था, यहाँ पर ड्रेस चेंज करेंगे, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लेंगे, अभी 30 मिनट बाकी है, उसके बाद एग्जाम चालू होने वाला है। और ब्रो, ये इसका अलग रूम और मेरा अलग रूम, एग्जाम में टाइम तो ब्लॉग नहीं बना पाऊंगा क्योंकि इल्लीगल है, स्कूल में ब्लॉग बनाना इल्लीगल है, लेकिन मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। सो गाइस, फिलहाल मेरे दोस्त को लेने के लिए उसके घर में आ गया था मैं, और स्कूल में बहुत सारा लोग था, इसलिए मैं ड्रेस भी चेंज नहीं किया, इसके घर में आके चेंज कर लिया। और गाइस, फिलहाल जा रहे हैं एग्जाम देने, तो फिर एग्जाम देने के बाद ही आपके साथ मिलते हैं। Hours later. अभी एग्जाम देख आ चुका हूँ, और एग्जाम गया बहुत बढ़िया, वो आपको रिजल्ट में ही पता चलेगा। और गाइस, फिलहाल मैं मिलने को बताऊँ, टाटा बाय 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 ब्रो, कल मिलते हैं। और मेरे साथ एक तूफानी दोस्त है। फिलहाल गाइस, ज़्यादा व्लॉग बना नहीं है, फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर में, तो घर में जाके मैं आपको सभी के साथ मिलता हूँ। 3 hours later. सो गाइस, अभी फिलहाल बहुत देर बाद मैं यहाँ पर आ चुका हूँ मेरे दोस्त के पास, इसका नाम है YT ओलोक कुमार। यहाँ पर चैनल दिख रहा होगा, जाके सब्सक्राइब कर लेना, बहुत बहुत फनी वीडियो बनाता है, 15 सेकंड का वीडियो, लेकिन बहुत हंसाता है। सो गाइस, अभी नीचे का एकदम व्यू देखो, खतरनाक लग रहा होगा। अरे, और मेरे साथ ही यहाँ पर YT ओलोक भाई, इसको सपोर्ट कर देना भाई, बहुत मेहनत करता है। और व्यू बहुत मस्त है यार, और मुझे 5 मिनट का आज ज्यादा व्लॉग नहीं करूंगा, 5 मिनट है ना ब्रो? हाँ, 5 मिनट है, 5 से 6 मिनट के आसपास ही व्लॉग बना लूंगा, और सिनेमेटिक शॉर्ट वोट भी कुछ बना लूंगा। सो गाइस, सिनेमेटिक शॉट लेना खत्म हो चुके हैं, मैंने बनाया YT ओलोक कुमार ब्रो ने, तो इसको चैनल में जाके जल्दी जरूर सपोर्ट करना ब्रो, सपोर्ट करो प्लीज, आप लोग जाके सपोर्ट कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत करता है। देखो, मेरे लिए ऊपर जाके सिनेमेटिक शॉट बना दिया, तो सब्सक्राइब कर देना उसके चैनल को। और गाइस, हम इंस्टाग्राम के 80K के करीब हैं, तो जल्दी से सपोर्ट करना इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर मेरा ID दिख रहा होगा, सपोर्ट करना, जाके फॉलो बटन को प्रेस कर देना, और बेल आइकन जरूर दबाना। अभी इंस्टाग्राम पर बेल आइकन आ चुकी है, तो जाके बेल आइकन दबा देना। और मैं आज का व्लॉग यहाँ पर एंड करता हूँ, तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय।